एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह 2019-21 सेशन में बीएड से नामांकन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019-21 में बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी बीएड कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं तो उसके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी इसकी परीक्षा ले रही है। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी है कि उसमें BKSU जो आरा में है, खुद यूनिवर्सिटी का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात जो है, अब आप आज आरा में निवास करते हैं और वहाँ के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग से आप जो है बीएड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका नाम अंकित नहीं है। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो कि अब पेपर में भी आ चुका है। जानकारी इस प्रकार है, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर सभी विश्वविद्यालय के नाम अपलोड कर दिया है, लेकिन उस सूची में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। इस सूची में विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का नाम नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने NCTE के मानकों को पूरा नहीं किया है, जिससे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को बीएड में संयुक्त परीक्षा प्रवेश लेने से बाहर रखा गया है, जिससे बीएड के सत्र 2019-21 में BKS के शिक्षा विभाग में नामांकन नहीं ले सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि NCTE का मानक विश्वविद्यालय ने पूरा किया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को NCTE के मानदंड पर खड़ा नहीं उतरने पर सत्र 2018-20 में संबंधन समाप्त कर दिया गया था। कहा गया था कि NCTE के सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को अगले सत्र में नामांकन लेने का संबंधन देगा, लेकिन इस बार भी विश्वविद्यालय के द्वारा NCTE के मानकों को पूरा नहीं किया गया है। BKSU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर शाह ने कहा कि NCTE के सभी मानकों को पूरा किया गया है, लिस्ट में BKSU का नाम नहीं आया है, इस संबंध में पता लगाया जा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस सप्ताह के अंदर BKSU का संबंधन मिल जाएगा। परंतु अभी भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग का नाम जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं है। अतः जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग में बीएड में 2019-21 में नामांकन लेने वाले छात्र में मायूसी है कि एक अच्छा विश्वविद्यालय जो सेंटर जो यूनिवर्सिटी में है उसमें वो नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के और भी आप अपडेट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और करना चाहते हैं कि आप अगर एक बात और करना चाहते हैं कि आप अगर इस AB जानकारी पर आप क्लिक करते हैं तो यहीं से आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सभी जानकारी BA और BEd साथ ही जो है MA हर एक प्रकार की परीक्षा की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।